हेलो स्टूडेंट, आज का यह वीडियो क्लास 10th हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपका जो हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। वीडियो के बीच में बताऊंगा कि यह PDF आपको कहाँ पर मिलेगा। यह पूरा वीडियो देख लिया तो 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन दिया कि अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता कौन है, आपको बताना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसा वीडियो YouTube पर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी राम नरेश त्रिपाठी और डी रामचंद्र शुक्ल। आपको इन सवालों के जवाब जानते हो तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको 95% लाना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वायरल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ देखने को मिल जाएगा। एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट जरूर करें, आज सब्जेक्ट के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया कि मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र है। आपके ऑप्शन है ए जीवन की एक औषध, बी जीवन का अमृत, सी जीवन का आधार और डी पैरों में बधी चक्की। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन की एक औषध। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम 2024 में जरूर पूछे जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि सबसे भयानक ज्वर होता है, ए मित्रता का, बी क्रोध का, सी कुसंग का और डी शत्रुता का। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कुसंग का। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। चार नंबर क्वेश्चन दिया कि चंद्रगुप्त किस विधि की रचना है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक और डी निबंध। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है कि मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है, आपको बताना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कमेंट में कमेंट करते रहेंगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है। आपके ऑप्शन है ए बाबू गुलाब राय, बी राहुल संकृतियान, सी महात्मा गांधी और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन दिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रों ग्रंथों की भाषा है, आपको बताना कौन सी भाषा है। यदि आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट में कमेंट करते रहेंगे, इससे यह पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट आपने तैयारी की है। आपके ऑप्शन है ए ब्रज भाषा, बी अवधी, सी डिंगल और डी खड़ी बोली। तो आपका सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, डिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भक्ति काल की रचना है, आपको बताना है कौन सी वह रचना है। आपके ऑप्शन है ए साकेत, बी विनय पत्रिका, सी लहर और डी प्रेम माधुरी। तो आपका बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तार सप्तक काव्य के संपादक कौन है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए विद्या निवास मिश्र, बी मुक्ति बोध, सी सचितानंद हीरानंद वासिर अगेन और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सचितानंद हीरानंद वासिर अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। नवा नंबर क्वेश्चन दिया कि वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए जानकी मंगल से, बी पार्वती मंगल से, सी रामाज्ञ प्रश्न से और डी कवितावली से। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कवितावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां नंबर क्वेश्चन दिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हसी हसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, उन्हीं जे आवे हिमालय के उछाड़ से, शीश पर गंगा हसे भुजनी भुजंगा हसे, आज की दो दंगा भयो नंगा के विवाह में, इस पंक्त में कौन सा रस है, आपको बताना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि दिया है, आपके ऑप्शन है ए हास्य रस, बी श्रृंगार रस, सी अद्रुत रस और डी शांत रस। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हास्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर दिया है कि कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा पंक्त में अलंकार है, कौन सा अलंकार है, आपको बताना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए
यमक, बी रूपक, सी उपमा और डी अनुप्रास। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपमा अलंकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रूपक अलंकार का उदाहरण है आपको बताना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट में कमेंट करते रहेंगे, पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा रूपक अलंकार है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राम एक घनश्याम हित चातक तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन दिया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट, विधर्मी मुगल कुजारी, उनके आगे ठहर सके जंग की न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भुज शिवाजी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है आपको बताना है। जो आपके ऑप्शन है ए इंद्र बजा, बी उपेंद्र बजा, सी रोला और डी चौपाई। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रोला छंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि परी उपस्वर्ग से युक्त शब्द नहीं है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए पर्यावरण, बी पर्यटन, सी परिचालक और डी परिंदा। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, परिंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि त्रम का भक्ति और वचन आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए प्रथमा एक वचन, बी द्वितीय बहुवचन, सी षष्ठी बहुवचन और डी द्वितीय एक वचन। तो आपका डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, द्वितीय एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि चतुर्भुज का कौन सा समास विग्रह द्विगु समास का उदाहरण है आपको बताना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए चार है जो भुजाएं, बी चार भुजाओं का समाहार, सी चार है भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चार भुजाओं का समाहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से तद्रोह शब्द है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए ब्याह, बी कुजरा, सी उत्साह और डी स्नेह। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्याह। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए क्रिया, बी विधेय, सी कर्म और डी कर्ता। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि घायल हंस उड़ ना पाया, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए घायल हंस से उड़ा ना गया, बी घायल हंस नहीं उड़ सकेगा, सी घायल हंस नहीं उड़ता है, घायल हंस से उड़ा ना जाए। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, घायल हंस से उड़ा ना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, जो हम आपके लिए 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे, जो पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो बोर्ड एग्जाम में 100% यही प्रश्न आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यह उपहार उसे ही देना रेखांकित पद्य का परिचय है आपको बताना है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप राइट आंसर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।